દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના એએસપી પ્રશાંત સુંબેના અધ્યક્ષસ્થાને દ્વારકા પોલીસ મથકમાં લોકદરબાર યોજાયો હતો, જેમાં વડોદરામાં પીએસઆઈએ પોતાની સર્વિસ રિવોલ્વરથી આત્મહત્યા કરી હતી. તેમને શ્રદ્ધાંજલિ આપી 2 મિનિટ મૌન પાળ્યું હતું. આ લોકદરબારમાં ટ્રાફિક સહિતના વિવિધ પ્રશ્નોને લઈને આગેવાનો દ્વારા રજૂઆતો કરવામાં આવી હતી, જેનું એએસપી દ્વારા ડિસેમ્બર સુધીમાં પ્રશ્નોનું નિરાકરણ લાવવાની ખાતરી પણ આપવામાં આવી હતી. દ્વારકા પોલીસ સ્ટેશન કે વાર્ષિક ઇન્સ્પેક્શન મેં आज यहाँ पे द्वारका टाउन में द्वारका पुलिस स्टेशन के एरिया के लोगों के साथ लोकदरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के आगेवान सामान्य जन ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया. इसमें 4-5 तरीके के प्रश्न उठाए गए, जैसे कि द्वारका द्वीज मंदिर के आसपास के भिक्षुकों का प्रश्न, इस्कॉन गेट के पास जो दबान है उसका प्रश्न, रिक्शा की वजह से जो ट्रैफिक के प्रॉब्लम होते हैं और अन्य ट्रैफिक के प्रॉब्लम, इसके बारे में भी प्रश्न उठाए गए. इसके बारे में अलग अलग जो एजेंसी है, जैसे कि नगर पालिका है या फिर रेवेन्यू है, उनके साथ संकलन में रहकर पुलिस आगे काम करेगी और इन प्रश्नों को दिवाली या दिसंबर से पहले सॉल्व हो जाए ऐसा हम देखेंगे, ताकि जब भीड़ बढ़ेगी तो लोगों का दर्शन ठीक से हो जाए और उनको कोई तकलीफ ना हो.